सबको आदर प्रणाम। मेरा नाम है डॉक्टर तिप्यारुद्र स्वामी। मैं बेंगलुरु से बोल रहा हूँ, कर्नाटक से। मैं आज रशिया के युद्ध नीति पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कानून को उल्लंघन करने के ऊपर बात करने आया हूँ। यूक्रेन एक देश है, यूरोप में सबसे बड़ा देश है, और उसको जीवित रहने की 100% अधिकार है। 1994 में यूक्रेन की पास विश्व के तीसरी सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन ये लोगों ने उनको मना के, उनको दबा के उन सब नष्ट कर दिया। आज जब उनको ज़रूरत है तब ये लोग पीछे हट रहे हैं। मैं इतना बोल सकता हूँ आपके माध्यम से कि मैं इसका घोर निंदा करता हूँ, ये खंडन करता हूँ, और यूक्रेन की जनता को मैं इतना बोल सकता हूँ कि यूक्रेन की जनता को स्वतंत्र रूप से जीवित रहने के लिए संपूर्ण अधिकार है। और पुतिन जी बोल रहे हैं मैं घोषित कर दूंगा, यूक्रेन को डिवाइड कर दूंगा और मैं गैस बंद कर दूंगा, पेट्रोल डीजल बंद कर दूंगा। भाई और बहनों, मैं इतना बोल सकता हूँ, हम लोग पेट्रोल डीजल के बिना जीवित रह सकते हैं, हम लोग गैस के बिना जीवित रह सकते हैं, क्योंकि हम जब जंगल में थे हमने लकड़ियों से भी काम चलाया है, लेकिन सोने के बिना भी हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना बोल सकता हूं कि आप जो ध्यान यूक्रेन आज पूरे विश्व को दे रहा है, भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको हमको मायने देना है। यूक्रेन की जनता को न्याय दिलवाना है, ये हमारा मूलभूत हक है। मैं डॉक्टर तिप्यारुद्र स्वामी, चेयरमैन और फाउंडर ऑफ टेररिस्ट रीएड्रेसल सेफ्टी नेशनलिस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, और मैंने पूरे विश्व में, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम राष्ट्रीयवादी है, और जिस देश में राष्ट्रीयवादी होते हैं उनको हम समर्थन करते हैं। मैं इतना बोल सकता हूँ, ये जो सेपरेशनिस्ट है उनको भैया आप संभल के रहो, क्योंकि देश चलता है राष्ट्रवाद से, देश चलता है संविधान से। ऐसा नहीं कि आप अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर दिए और ऐसे ही चलो, नहीं, यो आप नहीं बच सकते। मैं इतना बोल सकता हूँ रशिया के अध्यक्ष को, भैया रूस के अध्यक्ष को, भैया आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा आने वाले दिन में। और वो जापान से भी, जापान जो नागासाकी हिरोशिमा में हुआ था उससे भी बुरी तरह से आपका हाल होगा, मैं इतना बोल सकता हूँ आपके माध्यम से। आप विश्व को डरा रहे हो, जाके मिसाइल्स रख दिया, जाके वो बंकर्स रख दिया, जाके वो ये टैंक्स रख दिया, और शेल डाली कर रहे हो, शेल अटैक कर रहे हो, ऐसा चलता है क्या? और आपका फ्लाइट उड़ा रहे हैं उनके दूसरे देशों के ऊपर। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक करीब 7 रशियन फ्लाइट्स, फाइटर जेट्स और 3 हेलीकॉप्टर्स और 2 बंकर्स को यूक्रेन ने आज उड़ाया है। दोनों साइड में 40-40 सोल्जर्स मरे हैं, ये रिपोर्ट मिला है मेरे को। मैं इतना बोल सकता हूँ आपके माध्यम से कि देश को कमज़ोर मत समझो, लोगों को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि जो समझता है ईमानदार आदमी को कमज़ोर, वो कमज़ोर निकलता है। मैं इतना बोल सकता हूँ कि आने वाले दिन में आपको इसका घोर परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर तिप्यारुद्र स्वामी, चेयरमैन और फाउंडर ऑफ टीआरएस एनटीओ, दैट इज टेररिस्ट रीएड्रेसल सेफ्टी नेशनलिस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन और फाउंडर बोल रहा हूँ, कि मैंने ईमेल किया है। मैं सामाजिक जालताड़ में, सोशल मीडिया में
ईमेल कैंपेन शुरू किया है। उसके मुताबिक मैंने अपने लेटर हेड पे रशियन प्रेसिडेंट को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, यूक्रेन प्रेसिडेंट को, फ्रांस प्रेसिडेंट को, चाइना के प्रेसिडेंट को, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट को मैंने ईमेल, जापान के प्रेसिडेंट को मैंने ईमेल भेजा है और उनको बोला है कि आपके राष्ट्र में जो कोई रशियन है उसका वीसा ख़त्म कर दो और उसका प्रॉपर्टी को आप भेज दो, और आने वाले दिन में कोई रशियन को आप अपने राष्ट्र में पनाह मत दो, अपने राष्ट्र में मत बुलाओ, क्योंकि यही है हम कर सकते हैं उन लोगों को, उनको सबक सिखाना है। मैं इतना बोल सकता हूँ भाई और बहनों कि रशिया गलत कर रहा है, यूक्रेन के लोगों को जीने का अधिकार है और वो जिएंगे। आप युद्ध करोगे तो कोई दूसरा देश, अन्य देश चुप बैठने वाला नहीं है। अब अन्य देशों को डराओगे तो कोई इधर डरने वाला नहीं है। देखते हैं आने वाले दिन में, पुतिन जी मैं बोलता हूँ आने वाले दिन में आपको इसका जवाब मिलेगा। जय गणेश, जय श्री राम, जय शंकर, जय भवानी, जय हिंद, बोलो भारत माता की जय, जय मोदी, जय जय मोदी, थैंक यू।